जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बधाइयों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इतिहास के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जिसने अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। और आज आपके पास स्वर्ण मौका था मोदी जी, आप जानते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र जारी हुआ, यह चर्चा थी कि हो सकता है कि मोदी जी 6-7 सवालों के जवाब दें, मगर आपने उस मौके को भी गवा दिया। इन तस्वीरों के जरिए राजनाथ और सुषमा स्वराज मोदी जी को कुछ समझा रहे हैं और मोदी जी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। चर्चा यह है कि शायद सुषमा स्वराज और राजनाथ जी ने उनसे अपील की कि आप कुछ सवालों के जवाब दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जब कांग्रेस का संकल्प पत्र या कहा जाए घोषणा पत्र जारी हुआ तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने सवालों के जवाब दिए। जी हां, मैं जानता हूं मोदी जी कि आप जो अपना रुतबा है, अपना जो एक ऑरा है, वो राहुल गांधी से कहीं ऊंचा मानते हैं, देश की जनता भी ऐसा मानती है, मगर सवाल ये नहीं है दोस्तों। सवाल यहां पर ये है मोदी जी कि जब आपका मुकाबला कांग्रेस से और आपकी हर स्पीच में कांग्रेस का जिक्र है, तो जब राहुल गांधी जो सत्ता में नहीं है वो सवालों के जवाब दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? मैं सुनवाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, किस तरह से तंज मारा था जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था। राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि आप में हिम्मत नहीं है मोदी जी से सवाल पूछने की। गलत क्या कहा उन्होंने? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डरते क्यों हो? मैडम गुस्सा कर रही हो, ऊपर देख कर आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है। ये आप उनसे नहीं पूछते हो, आप डरते हो पूछने से। मोदी जी, इस मौके को आपने गवा दिया। जी हां, और जब भी आपसे तीखे सवाल किए जाते हैं, इक्का दुक्का कहीं से हो भी जाता है। मसलन एबीपी न्यूज के सवाल में उस एंकर ने कोई बहुत तीखा सवाल भी नहीं पूछा था, सिर्फ रफाल पर एक सवाल पूछा था। क्या ये झूठ है कि आपने अनिल अंबानी को रफाल का सौदा करवा के फायदा नहीं पहुंचाया है? आप सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। अगर एबीपी न्यूज सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं करते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप सीएजी पे भरोसा नहीं करोगे क्या? क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात को नहीं मानोगे? फ्रांस गवर्नमेंट के भारत सरकार ने पार्लियामेंट जहां पर इतने शब्द कहे वो भी नहीं मानोगे? और आप इतने बायस हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों, बहुत बड़ी त्रासदी है कि अगर देश का प्रधानमंत्री जो है वो सवालों का जवाब ना दे और वहां मौजूद किसी पत्रकार को भी ये जो है जहमत, ये जरूरत नहीं महसूस हुई कि वो मोदी से सवाल पूछे। ये अपने आप में पत्रकारिता का, जिसे कहते हैं, एक संकट काल है और मोदी सरकार की तो क्या ही कहने। दोस्तों, मैंने पहले सोचा था कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र और बीजेपी का जो संकल्प पत्र है दोनों में एक तरह से तुलना की जाए, मगर जहां तक मेरा मानना है, घोषणा पत्र हो या ये संकल्प पत्र, विशुद्ध हिंदी में कहा जाए तो ये सिर्फ बकायती है। ठीक है, ये लागू हो पाता है या नहीं हो पाता ये बिल्कुल अलग विषय है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, देखिए, कांग्रेस ने जब उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो शायद इतिहास में पहला मौका था जब उसकी घोषणा पत्र की चर्चा होने लगी, जब उसके घोषणा पत्र के खिलाफ बाकायदा बीजेपी ने फील्डिंग की, जब एफ्सपा के मुद्दे पर या देशद्रोह के कानून पर जो फैसले किए थे कांग्रेस ने उस पर बीजेपी ने टिप्पणी की। यही नहीं, कांग्रेस ने जिस न्याय का जिक्र किया था उसकी चर्चा अब ग्रामीण भारत में हो रही है। मेरा मानना है कि जब तक ये लागू नहीं हो जाता मैं इस पर ताली नहीं बजाने वाला हूं। इसके जवाब में कहा जाए, मोदी सरकार जो अपने संकल्प पत्र में लेकर आई है छोटे और मझोले किसान के लिए पेंशन, अब ये भी जब तक लागू ना हो जाए मेरे लिए महज जुमला है, लिहाजा मैं घोषणा पत्र की चर्चा नहीं करूंगा, उनमें तुलना नहीं करूंगा। मगर हां, कुछ बातों का मैं यहां पर जिक्र जरूर करना चाहूंगा। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे सुषमा स्वराज हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रवाद शब्द से बात की।
तो एक बात तय है, ये चुनाव जो है राष्ट्रवाद बनाम किसान रोजगार इन मुद्दों में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो आपको वादा कर रही है खालिस राष्ट्रवाद का, और दूसरी तरफ कांग्रेस या विपक्ष जो है वो रोजगार की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है, इन तमाम मुद्दों की। तो ये मुकाबला स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, मगर मेरा यहां कुछ और कहना है। मोदी जी, आपका राष्ट्रवाद जो है ना वो सुविधावादी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप अपने विपक्ष को, उन पत्रकारों को जो आपसे सवाल पूछते हैं, उन्हें पीटते रहें, उन्हें बदनाम करते रहें, मगर जो आपका राष्ट्रवाद है ना वो सुविधावादी बनके रह जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं मोदी जी, क्योंकि जब पुलवामा को लेकर हमला होता है, जब देश शोकाकुल होता है, तो अगले ही दिन माननीय अमित शाह एक रैली में उसके ऊपर वोट मांग रहे होते हैं। जी हां, मैं भी चौकीदार, उस आयोजन को आपने कैंसिल नहीं किया, मेरा बूथ सबसे मजबूत, एक ऐसे वक्त जब कांग्रेस ने अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, अरविंद केजरीवाल ने अपनी तमाम ऑफिशियल मीटिंग्स कैंसिल कर दी, सियासी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, मेरा बूथ सबसे मजबूत होता रहा। तो कृपया राष्ट्रवाद को लेकर दूसरों को ज्ञान देना बंद करें, क्योंकि आपके पास उसको लेकर अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं राम मंदिर की। राजनाथ सिंह ने क्या कहा दोस्तों, कि सभी संभावनाओं को तलाशेंगे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मुझे याद है जब अपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, यानी कि 1996, उस वक्त के घोषणा पत्र में बीजेपी की बात करें और आज 2019 में कुछ नहीं बदला है, यानी कि रामलला हम आएंगे और देश की मूर्ख जनता को फिर से सपने दिखाएंगे। ये बात अलग है कि जब राजनाथ सिंह के पूरे भाषण में एक ही जगह पर ताली बजी जब उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, तो एक तरह से राम मंदिर एक बार फिर, मगर जैसा मैंने कहा ना, जुमले की तरह। अच्छा, दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इस पूरे भाषणों में, इन तमाम भाषणों में नौकरियों का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं था। राष्ट्रवाद की बात की गई है। अरुण जेटली ने क्या कहा कि ये जो घोषणा पत्र है या लोक संकल्प पत्र है, ये आईवी लीग या टुकड़े टुकड़े गैंग ने नहीं बनाया। तो अरुण जी, मेरा सवाल आपसे, क्या जुमला गैंग ने बनाया है फिर? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नौकरियों का भाषण में बिल्कुल भी जिक्र नहीं, क्योंकि जो डाटा, सरकारी डाटा आते हैं, तो उसी सरकारी डाटा को मंत्रीगण जो है, खासकर खुद अरुण जेटली, उसे खारिज कर देते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है, आज मेरे हिसाब से लोक संकल्प पत्र में जो क्या घोषणाएं की गई हैं उसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, जमीन पर क्या लागू होता है उस पर मैं देखना चाहूंगा। मगर जैसे मैंने कहा, एक स्वर्णिम मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके पास कम से कम 3 या 4 सवालों के जवाब आप दे देते, मगर आपने वो तक नहीं दिया। और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, वहां जितने भी पत्रकार मौजूद थे सभी बीजेपी के पत्रकार थे, और सच बताएं तो गोदी मीडिया की शुरुआत इन्हीं बीजेपी पत्रकारों से होती है। इनमें से आपसे कोई भी कठिन सवाल नहीं पूछता, मगर मुझे याद है पुडुचेरी को वणक्कम, आपके ही कार्यकर्ता ने इतना आसान से सवाल पूछा था जिसका जवाब आपके पास नहीं था मोदी जी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक स्वर्णिम मौका जो आपने गवा दिया, और मुझे लगता है कि इसके पीछे अहंकार है। अहंकार यह है कि मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस देश का एक पत्रकार, एक पत्रकार का तबका आपसे लगातार पूछता रहता है कि सवालों का जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए। आपने उसे अहंकार, अपने ईगो बना लिया उसे कि मैं नहीं जवाब दूंगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे बात करने का इतना शौक है, जिसकी भाषण की तुलना मैं कह सकता हूं कि इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, आप बेहतरीन वक्ताओं में से हैं मोदी जी, मगर मुझे लगता है जब जवाबदेही की बात आती है तो आप 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। हाँ, एक और चीज का जिक्र किया, ये कहा गया कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करेंगे, यानी कि देश के संघीय ढांचे को मजबूत करेंगे। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है, और अगर हम पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में देखें, पश्चिम बंगाल में आपने देखा
कि किस तरह से ममता बैनर्जी की पुलिस ने केंद्र की टीम को घुसने नहीं दिया। हालत जो है वहां पर क्या हो गई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्या हुआ आपको याद है ना, सीआरपीएफ मध्य प्रदेश पुलिस में ही जो टकराव हो गया। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं मानता हूं कि अगर आईटी इनकम टैक्स के पास कोई जानकारी है तो उनको पूरा अधिकार है रेड मारने का, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस के धन्ना सेठों पर तो आप रेड मारें मगर बीजेपी के धन्ना सेठों को आप नजरअंदाज कर दें। ये येदियुरप्पा ही थे ना जो अलग अलग फोन कॉल्स में दावा कर रहे थे कि साहब मैं आपको इतने करोड़ दे दूंगा आप आ जाइए। जेडीएस और कांग्रेस के जो विधायक थे उन्हें कथित तौर पर खरीद रहे थे, येदियुरप्पा ही तो थे ना कि आपने उनके घर रेड मारी है। और दोस्तों आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने एक बात कर रहा हूं, जो इनकम टैक्स विभाग है आज की तारीख में कोई भी बड़ी रेड नहीं मार सकता, हर रेड के लिए उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से इजाजत लेनी पड़ती है। ये जो मैं बात कह रहा हूं मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं, कोई इसे गलत साबित करके दिखाए। आज हालत यह है, मैं आपको मिसाल दे सकता हूं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुछ लोगों के घर रेड मारने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि या तो वो बीजेपी नेता थे या फिर बीजेपी से जुड़े हुए व्यापारी थे। जी हां, ये हालत हो गई है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में इस तरह से केंद्र बनाम राज्य में टकराव बनकर आता है क्योंकि आपने इनकम टैक्स का मजाक बनाकर रख दिया है। और ऐसे में जब आप संघीय ढांचे की बात करते हैं तो उससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। और अंत में आपने ये कह दिया कि देश जब 100 साल पूरे करेगा आजादी के, यानी कि 2047 में, तो देश विकासशील से विकसित बन जाएगा, यानी कि अब आपने एक और समय सीमा या एक और वर्ष हमें दे दिया है। 2022 तो आपने दे ही दिया था, अब आपने 2047 तक का वक्त दे दिया है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो मुझे कहने में रत्ती भर भी यहां पर हिचक नहीं है कि प्रधानमंत्री ने एक स्वर्णिम मौका गंवा दिया है। घोषणा पत्र सही था गलत था इसका क्या असर पड़ेगा इसके कोई मायने नहीं है क्योंकि घोषणा पत्र देखकर कोई वोट नहीं देता है। हाँ, ये पहली बार है जब कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है, मगर जिस तरह से राहुल गांधी ने सवालों के जवाब दिए हैं, काश मोदी जी आप भी सवालों के जवाब देते, आप भी बोलते, क्योंकि बोल खिलाफ आजाद है तेरे।